मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जब महिलाओं का मेनोपॉज हो जाता है तो उन्हें लगता है चलो अभी छुटकारा मिल गया, अभी कोई हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं। लेकिन ये एक गलत फहमी है। मेनोपॉज के बाद हमें क्या करना है, ईयरली कौन से टेस्ट करवाने हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेनोपॉज के बाद एक्चुअली जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने वाली जो हार्मोन्स रहती है उसका निर्माण होना स्टॉप हो गया। जो एस्ट्रोजन जो हमारी बोन की हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है तो वो रहता नहीं है, तो इसीलिए हमारी बोन की जो हेल्थ रहती है, हड्डियों की हेल्थ रहती है, वो खराब होने की संभावना रहती है। वैसे देखा जाए तो इन हार्मोन्स का इफेक्ट सर से लेके पांव तक सब जगह होता है, और सब जगह से हार्मोन की कमी से कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए हम जानेंगे मेनोपॉज के बाद हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हर साल करने चाहिए। वैसे देखा जाए तो मेनोपॉज के बाद घर में रखने वाले दो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एक है ब्लड प्रेशर नापने का मशीन और दूसरा रहता है ब्लड शुगर नापने का मशीन यानी कि ग्लूकोमीटर। ये दोनों आपके साथ होने चाहिए, और जैसे आपको शिकायत रहेगी, जैसे अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रहते हैं उसके हिसाब से हम अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर चेक करते रहेंगे। मिसाल के तौर पे जब आपको डायबिटीज है तो एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार लंच के बाद की शुगर आपको देखनी ही है, और ये शुगर 140 से ऊपर रहेगी तो आपको आपका डोज करेक्ट करवाना। आपका ब्लड प्रेशर भी आपको हफ्ते में एक बार चेक कराना ही है। समझो लगातार 4 रीडिंग्स नॉर्मल रहेंगे तो हर 3 महीने के बाद आपके खुद के मशीन से आपको आपका ब्लड प्रेशर चेक करना। साल में एक बार डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको सोनोग्राफी कराने के लिए कहेंगे, डॉक्टर आपको ब्रेस्ट की सोनोग्राफी कराने के लिए कहेंगे या मैमोग्राफी कराने के लिए कहेंगे, और उसके साथ ही डॉक्टर गर्भाशय के मुख से पानी लेके आपका पैप स्मियर करेंगे। तो गर्भाशय मुख का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये ऐसी दो बीमारी है जिनका जितने जल्दी डिटेक्शन होगा उतना क्योर कंप्लीट होने वाला है। और उसके साथ ही डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, उसमें अपना हीमोग्राम होगा, इसमें हमारे शरीर में खून की मात्रा कैसी है ये पता चलेगा, शरीर में कुछ इन्फेक्शन की गुंजाइश है क्या ये भी पता चलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट टेस्ट है ब्लड शुगर लेवल। जैसे हम घर में कराते हैं तो साल में वैसे एक बार लैब से भी हमें ब्लड शुगर करानी है। तीसरा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है हमारे शरीर की कैल्शियम की मात्रा, फॉस्फरस की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा, जो दर्शाती है हमारी बोन हेल्थ के बारे में, यानी कि हड्डियाँ हमारी स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ कमियां रहेंगी तो ये रिपोर्ट्स देख के हम वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन रहता है लिपिड प्रोफाइल, जिसे पता चलता है हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, और लिपिड लेवल्स ट्राइग्लिसराइड लेवल कैसी है। और जब ये ज़्यादा रहेगी तो हमें हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए जब ये लेवल ज़्यादा रहती है तो डॉक्टर आपको ये लेवल्स घटाने के लिए दवाई प्रिस्क्राइब करें। इसके साथ ही डॉक्टर हमें पेट की सोनोग्राफी करने के लिए कहेंगे। पेट की सोनोग्राफी से हमें पता चलेगा लीवर कैसा है, किडनीज कैसी है, पैंक्रियास कैसा है, गर्भाशय कैसा है, ओवरीज कैसी है, और इनमें कुछ गड़बड़ी होती है तो जल्दी डिटेक्शन हम कर सकते हैं और उस पर इलाज भी जल्दी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेनोपॉज के बाद 5 साल के बाद डॉक्टर आपको डेक्सा स्कैन करने के लिए कहेंगे। कभी कभी 55 साल के बाद डॉक्टर आपको डेक्सा स्कैन करने के लिए कहेंगे। इससे हमारी हड्डियों का स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है, बेसिकली रीढ़ की हड्डी का, अपनी फोरआर्म यानी कि हाथ की कलाई का, और उसके साथ ही हिप जॉइंट्स का ये स्टडी करता है, और इससे हमें पता चलता है हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो रही है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें अपने हड्डियाँ एकदम ब्रिटल हो जाती है, इजीली ब्रेक होती है और हमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इसकी संभावना देखने के लिए डॉक्टर हमें डेक्सा स्कैन करने के लिए कहेंगे। ये डेक्सा स्कैन का रिजल्ट -2.5 के नीचे रहता है तो हमें फ्रैक्चर्स की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया मेनोपॉज के बाद आपको आपकी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है,
इनफैक्ट यही एक स्टेज है, यहाँ से आपको अपने शरीर को करीब से देखना है, जानकारी करनी है और बहुत सारी जांचें करनी है, जिससे आपकी मेनोपॉजल स्वास्थ्य अच्छी हो जाएगी। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये गायनिक इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।